हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे सामने खड़ी है भाई होंडा सिटी। ये इसका टॉप मॉडल है, पेट्रोल में आती है, डीजल का भी ऑप्शन आएगा। स्टार्ट कर लेते हैं की से। तो कुछ इस तरीके की आएगी जिसमें लॉक, अनलॉक और होल्ड। होल्ड से मैं आपको दिखाई देता हूँ। होल्ड से जैसे आप होल्ड को बटन को प्रेस कर रखेंगे ये आपका टेल गेट रिलीज हो जाएगा। उठाना भाई आपको अपने हाथ से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह नहीं है। चलते हैं बैक टू अपनी की में। यही फीचर्स थे, फिजिकल की आपको बटन दबा के निकालनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं होंडा सिटी का एक इंटरेस्टिंग फीचर, जो कि है अगर आप अनलॉक दबाने के बाद अनलॉक प्रेस कर रखेंगे तो इसके सारे विंडोज़ एंड सनरूफ ओपन हो जाएगी, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सनरूफ भी ओपन हो चुकी है और सेम आपको एक बार लॉक प्रेस करनी है जैसे ही ORVM फोल्ड हो जाएंगे, और एक बार दबा के रखना है तो इसके विंडोज़ रोल अप हो जाएंगे। ये थे कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको किसी और कार में नहीं मिली। फ्रंट से लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखती है। बड़ा सा होंडा का लोगो मिलेगा, सिग्नेचर टाइप LEDs मिलेंगी, 7 LEDs हैं हेडलाइट में। ऊपर DRLs मिलेंगे, नीचे फॉग लैंप आएगी, फॉग लैंप भी LEDs हैं। ये इंडिकेटर का भी काम करते हैं। यहाँ पे टोइंग हुक मिलेगा, ये रेडिएटर वेंट्स हैं, ग्रिल मिलेगी, सेम हेडलाइट आपको यहाँ मिलेगी 9 LEDs के साथ, फॉग लैंप। साइड में आ जाए तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स आएंगे टॉप मॉडल में। इसकी प्रोफाइल की बात करें 185/55R16 के अलॉय व्हील्स आएंगे। होंडा का लोगो मिलेगा सेंटर में, आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक्स आएंगे इसमें। और ये हैं इसके इंटरनली एडजस्टेबल फोल्डेबल रिट्रैक्टेबल टाइप ORVMs। टॉप मॉडल में आपको लेन वॉच कैमरा भी आएगा 360 डिग्री के लिए। इंडिकेटर देंगे तो आपको इधर का दिखाते रहेगा, ब्लाइंड स्पॉट के लिए इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे आएंगे, इंटरनली एडजस्ट हो जाते हैं। ये हैं क्रोम में डोर हैंडल्स। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर साइड, और बी पिलर आपको मैट में मिलेगा। ये है इसका सेकेंड रो। ये पेट्रोल कैप है इसका, 45 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है, डीजल में भी आएगा। और ये हैं इसकी LED रिवर्स लाइट, इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये हैं रिवर्स लैंप, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आएंगे, रिफ्लेक्टर्स आपको इस जगह मिलेंगे दोनों जगह। कैमरे की बात करें तो कैमरा यहाँ पे मिलेगा, होंडा का लोगो, IVTEC की बैजिंग पेट्रोल की, टॉप मॉडल ZX आपको इस जगह मिलेगा, और सिटी की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी। और ऊपर देखें तो शार्क फिन एंटीना आएगा, डिफॉगर आएंगे, वाइपर्स इसमें इसलिए नहीं आते क्योंकि ये सेडान है। अब चलते एक बार अंदर। सुको ड्राइवर डोर कुछ इस तरीके से है, डुअल टोन डोर ट्रेम आएगी, बीज विद ब्लैक लेदर का यूज़ कर रखा है। लॉक अनलॉक करने के लिए लीवर, बोतल होल्डर यहाँ पे मिलेगा, 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम आता है। इसका फ्लेट नहीं आएगी इस वेरिएंट में। लेदराइट सीट्स हैं, फैब्रिक का भी ऑप्शन आएगा। डुअल टोन डैशबोर्ड मिलेगा वुडन इंसर्ट्स के साथ। AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एयरबैग की बैजिंग, 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, ट्रैक्शन कंट्रोल आते हैं इसमें। सेफ्टी में तो आपको पता ही होगा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आएंगे। अंदर चलते हैं एक बार। कुछ इतना बड़ा ग्लो बॉक्स आएगा, और यहाँ से AC वेंट्स हैं, ये मिरर आएगा, वैनिटी मिरर रियर शेड पे, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ डोर हैंडल्स आएंगे। और ये हैं ऑटोमेटिक IRVM, इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, 2 USB रेगुलर टाइप चार्जिंग पोर्ट आएंगे, कुछ स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर्स, और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक भी आता है इसमें CVT के नाम से। और ये मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्म रेस्ट के नीचे स्पेस आएगी इतनी, और आर्म रेस्ट स्लाइड नहीं होती। और ये है हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स, ऊपर LED लाइट्स आएंगी। और जैसे टॉप मॉडल है तो इसमें सनरूफ भी आती है, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। जब वो ऑन करेंगे तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको, अभी इग्निशन ऑन नहीं है इसलिए नहीं चाहिए ओपन हो रही। और यहाँ पे भी मिरर आएगा, लाइट नहीं मिलेगी पर। और कर्टेन से एयरबैग की बैजिंग, 6 एयरबैग पूरी गाड़ी में, इससे नीचे 4 एयरबैग्स आते हैं। अब देख लेते एक बार रियर सीट्स कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है, और सेम आपको लेदर यहाँ भी मिलेगा, स्पीकर, बोतल होल्डर। अब चलते हैं अंदर।
अंदर जैसे ही आएंगे तो सीट्स के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी, सेपरेटली फ़ोन होल्डर्स भी आएंगे, बीच में सेंटर में एसी वेंट्स आएंगे, दो पावर चार्जिंग पोर्ट्स आएंगे। फ्लोर की बात करें कुछ इतना फ्लोर है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आएंगे। सेंटर की मैं बात करें तो आर्मरेस्ट आपको इस जगह मिलेगा दो कप होल्डर के साथ, और रूफ पे एलईडी लाइट्स हैं। अभी डोर ओपन है इस तरीके से, सो अभी बंद हो जाएंगी। और क्रोम में डोर हैंडल आपको यहाँ मिलेगा, आप देखते एक बार। ये वाली सीट ऑलमोस्ट फुल आ गई है, तो लेग रूम की बात करें तो इतना लेग रूम मिलेगा, और ये ऑलमोस्ट पीछे है तो इतना स्पेस है। और पीछे के लिए पीछे कर्टेंस भी आते हैं इसमें, इस तरीके से आप लगा दें तो प्राइवेसी बनी रहेगी, धूप से बचाएगा। और पीछे वाली बीच वाले पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट आती हैं इसमें। आइसोफिल चाइल्ड सीट माउंटिंग भी आएंगी इसमें, और यहाँ पे है ट्विटर इसका, सेम बोतल होल्डर आपको इस जगह मिलेगा, कोट हुक आपको इस जगह मिलेगा, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ डोर हैंडल है, और एक और कर्टेन एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे है। एक बार देख चलते हैं बूट, इसका जो टोटल बूट स्पेस है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसकी लाइट की बात करें तो लाइट आपको यहाँ मिलेगी, जहाँ तक हो सकता है कवरिंग की गई है, ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दिया गया है। और फुल साइज स्पेयर टायर आएगा विद अलॉय, और इसकी साइज आप 185/55R16। और जैक यहाँ पे है, कुछ नीचे भी स्पेस मिल जाता है बहुत ज़्यादा। इसके कंपैरिजन की बात करें तो वरना और आपकी सलाविया भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो उनसे तो ये बहुत अच्छी है। देखते हैं मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स देती है, अब देख लेते हैं एक बार ड्राइवर साइड एरिया में। सो सेम डोर ट्रिम यहाँ पे आएगी, चारों पावर विंडो के स्विचेज हैं, चाइल्ड सेफ्टी का बटन, लॉक अनलॉक करने के लिए लीवर, इंटरनल एडजस्टमेंट ओवर वीम्स के, लेफ्ट राइट बोतल होल्डर, और ये मैनुअल एडजस्टमेंट सीट्स हैं विद हाइट एडजस्टेबल। यहाँ पे आएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ मिलेगा, हेडलाइट लेवलर, एसी वेंट्स, और यहाँ पे मिलेंगे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आती हैं इसमें, और नीचे मिलेंगे वाइपर्स के कंट्रोल। ये हैं स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो कि अपनी इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे MID और क्रूज कंट्रोल के बटन्स, और एडजस्ट कर लेते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आएगा, एसी के कंट्रोल्स, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आएगा, SRS एयरबैग की बैजिंग, होंडा का लोगो, लेदर स्टिचिंग के साथ स्टेयरिंग व्हील आएगा, ये एक्स्ट्रा वॉइस कमांड एंड कॉल काटने उठाने के बटन्स। एक बार ऑन करते इग्निशन को, सो इग्निशन ऑन करते ही स्टेयरिंग अनलॉक हो जाएगा और अपनी इंफोटेनमेंट ऑन हो जाएगा। इसको कर देते एक बार बंद, एक बार और प्रेस करते हैं, सेकेंड टाइम प्रेस करने पे इस तरीके से रिएक्ट करती है अपनी MID। डिजिटल पूरी स्क्रीन मिलेगी, 8 तक मार्किंग है क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है, और 220 तक इसकी मार्किंग कर रखी है। डिजिटल स्पीड आपको यहाँ दिखाती है, ये ना फ्यूल इंडिकेटर है, टोटल किलोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर दिखाती है, और ये बता रही है अभी आपको कैसे स्टार्ट करनी है, डोर ओपन दिखाती है यहाँ पे, कुछ वार्निंग लाइट्स हैं इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं इंफोटेनमेंट को, लैंग्वेज, ब्लूटूथ, ऑडियो, डिस्प्ले, सो इसमें अपना एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आती हैं विद वायर्ड, वायरलेस नहीं मिलेगा। अब चलते हैं बैक एक बार, ब्लूटूथ भी मिलता है इसमें, रेडियो ऑप्शंस, बेसिक सारे फीचर्स हैं, और ये है अपना ऑटोमेटिक AC, डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी। इसकी स्पीड को कम कर देते हैं एक बार, आवाज़ आ रही हो तो आपको, एक बार फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सो ये जो बटन्स है आपको अपनी MID की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो तो उसके लिए है, जो कि एक हैंडी फीचर्स है, अंदर से जाके नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं।
अब देख लेते हैं इसका इंजन और आपका फ्यूल ओपनिंग के लिए यहाँ से मिलेगा। ये है बूट ओपनिंग के लिए, सिंगल बार प्रेस करेंगे तो आपका हुड ओपन हो जाएगा। सो DRL जलने के बाद कुछ इस तरीके से लगती हैं, ये इंडिकेटर का काम करती हैं। और ये का 1.5 लीटर का VTVT पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर की बात करें तो 119 BHP की पावर मिलेगी, 145 NM का टॉर्क मिलेगा। इंसुलेशन भी कर रखी है, वैसे तो ऑलरेडी साइलेंट इंजन है। एवरेज की बात करें तो 15 का एवरेज मिलेगा 37 लीटर के फ्यूल टैंक से, और टॉप स्पीड की बात करें तो 190 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। अब देख लेते हैं इसकी हेडलाइट, अब सुन लीजिए इंजन, तो कुछ इतनी साउंड है। और ये है इसकी हेडलाइट, DRL ग्लो कर रखे हैं। सो ये हैं इसके इंडिकेटर्स, ये हैं इसकी फॉग लैंप्स। बंद कर देते हैं। कैसी लगी कार कमेंट में ज़रूर बता देना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए।